जो एलिप्स और हाइपरबोला में आखिर डिफरेंस क्या होता है? एलिप्स हम कहते हैं क्लोज कर्व है, दो पैराबोला में इतनी दोस्ती हो गई कि मिल गए, और फिर जब इन दो पैराबोला में दुश्मनी हो गई कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे, तो फिर वो हाइपरबोला हो गया। एलिप्स के अंदर ए होता है ग्रेटर देन सी, यानी वर्टेक्स ग्रेटर देन फोकस, और हाइपरबोला में ए जो है वो सी से लेस होता है। हम कहते हैं एलिप्स के अंदर बी स्क्वायर निकलता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, और हाइपरबोला में बी स्क्वायर निकलता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। या ये भी कह सकते हैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कि सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलिप्स के अंदर, जबकि हाइपरबोला में सी स्क्वायर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो अब बड़ी अहम बात आती है कि एक बड़ा अहम फार्मूला होता है एसेंट्रिसिटी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रिलेशन का। कभी आपको ए बी दे के ई निकाला जाता है, कभी ए और ई दे के बी निकाला जाता है। तो एलिप्स के अंदर ये फार्मूला कुछ इस तरह है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, यानी कि बोले तो वन पहले ई स्क्वायर बाद में। लेकिन हाइपरबोला में उल्टा हो जाता है, बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन,